हाय फ्रेंड, आज हम सब लोग को बताएंगे कि JIFI जो एक एक्सटेंशन होती है, फाइल होती है जो सेव होती है JPG में, जो फोटो सेव करते हैं वो JIFI में बल्कि सेव होती है, जो फोटोशॉप पे खुलती नहीं है, कभी कभी इरर आता है। तो उसको JIFI से फ़ोटो को JPG में कैसे करें, तो जैसे कि हम मोदी जी की फ़ोटो को सेव करते हैं और आप देखेंगे यहाँ पे JIFI लिख के आ रहा है, JIFI आ, यहाँ पे JPG आना चाहिए, JPEG आना चाहिए, बल्कि और कोई ऑप्शन नहीं आते। तो इसी को आज कैसे ठीक करें, ये अधिकतर प्रॉब्लम विंडो 10 में आती है, विंडो 10 जो लैपटॉप है या PC जो भी है आपका, तो उसमें अधिकतर ये अपडेट आता रहता है, कभी कभी अपने आप ही अपडेट हो जाता है। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं JIFI, ये हम व्हाट्सएप से फ़ोटो सेव करते हैं, बट ये भी JIFI में ही सेव हो रही है। तो ये JPG में कैसे सेव करें, तो JPG में सेव करने के लिए सबसे पहले हम जाएंगे स्टार्ट बटन। स्टार्ट बटन में आपको क्लियर सर्च करना होगा रजिस्ट्री एडिटर, रजिस्ट्री REG लिखिए और सर्च कीजिएगा, ऊपर ही आ जाएगा रजिस्ट्री एडिटर। जैसे ही सर्च करेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार का दिखेगा, आपको यहाँ पे यस पे क्लिक करना है। यस पे क्लिक करने के बाद आपको वेट करना है जस्ट, और जैसे ही यस पे क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार का आपके सामने एक पेज खुलेगा। तो यहाँ पे सबसे ऊपर ही जो हाई क्लासेस जो भी कुछ लिखा है जी, या हाई क्लासेस जो भी लिखा है, इस पे आपको क्लिक करना है। जहाँ पे आप एरो देख रहे होंगे इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कई सारी फाइलें खुलेंगी, यहाँ पे बहुत सारी फाइलें खुलेंगी। तो यहाँ पे आपको MEME के नाम से एक फाइल होगी, वो आपको सर्च करना है, MEME। ठीक है, आपको यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और माइक्रोसॉफ्ट जैसी सारी हैं, यहाँ पे आपको MEME, सॉरी हाँ ME जैसा करके कुछ लिखा होगा, हाँ MEME, ये इस पे आपको क्लिक करना होगा। MEME पे क्लिक करेंगे फिर आपके पास, जैसे दो MEME पे क्लिक करते हैं तो फिर आपको कंटेंट टाइप पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप कंटेंट टाइप पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार की आगे फाइलें खुलेंगी, यहाँ पे आपको सर्च करना होगा इमेज JPG। तो इमेज JPEG आपको क्लिक करना होगा, जैसा कि आप सर्च कर लेंगे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं इमेज JPG पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे फिर इधर आपको एक चार पांच ऑप्शन लिखे होंगे। यहाँ पे एक्सटेंशन, एक्सटेंशन पे आपको डबल क्लिक करना होगा। जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको शो करेगा .JIFI, तो यहाँ पे .JIFI को हटाकर .JPG, JPG .JPG आपको लिख देना है, सिंपली .JPG लिख के और ओके कर देना है। ये आपकी सेटिंग हो गई। तो जैसे ही आप ओके पे क्लिक करेंगे तो आपकी ये सेटिंग हो जाएगी, फिर आप कोई भी फोटो को सेव करेंगे तो वो आपकी सिंपली फोटो JPEG में ही सेव होगी। तो JPEG में फोटो आपकी सेव होगी। चलिए हम चेक करते हैं, तो यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे होंगे JPEG इमेज अब लिख के आ रहा था, जबकि पहले JIFI करके कुछ लिख के आ रहा। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी भी बहुत मदद मिल रही है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ भाई सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।